हमारी पुरानी जो व्यवस्था है ये बता रही है कि राजा लोग जो थे वो गायें बहुत पालते थे, तो इसलिए उनके राज्य में समृद्धि होती थी। गो भी ही उष्ट्रई ही, घोड़े हाथी ऊंट ये एक तो भार ढोने में बहुत काम आते हैं, घोड़ा बहुत फास्ट दौड़ता है, हाथी क्विंटलों टनों वजन अपने ऊपर उठा करके ले जा सकता है, और क्योंकि वहाँ पर वनस्पति औषधि खेती जंगल इतने हैं कि वो कुछ भी घास फूस हरी पत्तियाँ खा के अपना पेट भर लेता है, तो कोई बहुत ज़्यादा वो कोई मांसाहार आदि खाता नहीं है हाथी। और उष्ट्रई ही ऊँट जो हैं वो गर्मी के मौसम में भी और रेगिस्तान में भी कई कई दिन बिना पानी पिए भी, यद्यपि यहाँ पानी की कमी नहीं है अयोध्या में, लेकिन तो भी एक उष्ट्र सेना भी होती है, ऊँट के ऊपर भी सैनिक बैठ करके युद्ध करते हैं। तो सब प्रकार के युद्ध के भी जो काम आने वाले पशु हैं और दैनिक जीवन में भी जो काम आने वाले पशु हैं। अब गाय माता हमें घी दूध मक्खन मलाई छाछ दही सब देती है, उसको भी पालते हैं। हाथी घोड़ा ऊँट आदि ये भार को इधर उधर ढोने के काम में भी आते हैं और युद्ध के भी काम में आते हैं। तो मल्टीपर्पज वाले पशुओं को रखा हुआ है। कुत्ता किस काम में आएगा? कुत्ता केवल कोई चोर डाकू आ जाए तो भौंकने के काम आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसको काट खाएगा बस। अगर कोई नहीं आए, मान लो कोई चोर डाकू हमारे घर में नहीं आता, कोई अजनबी नहीं आता है हमारे घर में, तो फिर उस कुत्ते की क्या ड्यूटी है पूरे दिन? कुछ भी ड्यूटी नहीं है। लेकिन ये ऐसे मल्टीपर्पज वाले पशुओं को रखना कि जिनका मल मूत्र भी हमारी खेती में काम आए, तो ये कितनी समझदारी की बात है। तो वाजीवारण संपूर्णाम गोभी उष्ट्रई खरईस तथा, और थोड़ा बहुत कुछ सामान ढोना हो तो खर भी है, खर मतलब गधा, तो गधे आदि उपयोगी पशु। तो सब प्रकार के पशु, छोटे पशुओं से लेके हाथी तक बड़े पशुओं तक, तो कितनी सुंदर समाज की व्यवस्था है। आगे कहा सामंतराज संघैश्च बलिकम अरिभि आवृताम नाना देश निवासैश्च वाग भी रूप शोभिताम। और वो जो नगरी है सामंत राज संघैश्च, सामंत मतलब बलिकम भी ही, बलि कर्म भी ही आवृत्ताम, बलि कर्म बलि देना ऐसे सुना है ना आपने, बलि देना मतलब देवता को खुश करना, तो बलि का मतलब है यहाँ पर कोई पशु काटा जाता है ऐसे नहीं, बलि मतलब टैक्स। तो प्रजाएं जब इतना धन धान्य उनके पास तो टैक्स भी लगाया जाता था, तो ये और केवल एक नगरी अयोध्या की बात नहीं कर रहे हैं, ये संपूर्ण उस राज्य की कौशल राज्य की बात कर रहे हैं, कौशल देश की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं ये जो नगरी है, क्योंकि ये राजधानी है कौशल देश की, तो ये बलि कर्म भी आवृत्ताम सामंत राज संघैश्च, टैक्स देने वाले लोगों से घिरी रहती है, माने खुद व्यक्ति आ आ करके टैक्स भरते हैं। अभी तो टैक्स चुराने की कोशिश करते हैं लोग, और उनको बार बार प्रेरणा दी जाती है कि भाई टैक्स भरो टैक्स भरो, लेकिन उस समय टैक्स भरने वाले खुद आके लाइन लगाते हैं, माने उनको ये पता है कि जो हम अपने देश के लिए कर दे रहे हैं टैक्स दे रहे हैं, इस धन का कोई दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, उसका सदुपयोग ही होना है। बलि कर्म भी आवृत्ताम सामंत राज संघैश्च, जो सामंत हैं, सामंत नरेश हैं, सामंत नरेश माने जो इनके अधीन हैं महाराजा दशरथ के, तो इनके अधीन जो सामंत नरेश हैं उनके समुदायों से सदा वो नगरी घिरी रहती है, वो आ आ करके अपना टैक्स भरने के लिए उधर आते हैं। नाना देश निवासैश्च, विभिन्न देश के निवासी भी यहाँ पर आते हैं, किसके लिए? वणिक भी ही उपशोभिताम, वणिक माने वैश्य, अनेक देश में निवास करने वाले वणिक भी वहाँ पर आते हैं, अर्थात विदेशों के साथ भी वाणिज्य व्यापार, जैसे आजकल बाहर से कंपनियाँ आ रही हैं
तो अभी एक कोई अमेरिका की या जापान की कंपनी थी, तो वो पहले चीन में काम करती थी, अब उन्होंने चीन का बहिष्कार करके अब वो भारत में आने के लिए तो उसको स्थान दे दिया गया यूपी में, तो उससे चीन बहुत झल्ला गया। वो कहते हैं कि भारत कब हमारे मुकाबले में हमारी बराबरी करने वाला हो गया कि जो कंपनियां हमारे यहाँ आती थी वो अब भारत में जा रही हैं। तो तिल मिला रहा है चीन। तो उस समय भी भारत में नाना देश निवासैश्च, ऐसा नहीं है कि अब हमने बढ़ा लिया है व्यापार दूसरे देशों से, ऐसा नहीं है। उस समय भी 9 लाख वर्ष पहले भी दूसरे देशों के साथ हमारे वाणिज्य व्यापार के संबंध थे, ये इस श्लोक से पता चलता है। प्रासादै रत्न विक्रेतै पर्वतैरिव शोभिताम् कोटागारैश्च संपूर्णाम् इंद्रस्य इव अमरावतीम्। प्रासादै रत्न विक्रेतै ही कह रहे हैं, वहाँ के जो प्रासाद हैं, ये बात तो हो रही थी सामान्य जन समूह की, उनके मकान, रास्ते, नगर वो कैसे हैं, लेकिन वहाँ जो राज परिवार के लोग रहते हैं तो उनकी बनावट कैसी है। प्रासादई रत्न विक्रीतई कह रहे हैं, वहाँ जो प्रासाद हैं अर्थात जो महल आदि वहाँ पर बने हैं वो कैसे हैं। रत्न विक्रीतई ही, वो तो रत्नों से बने हुए हैं, उनमें रत्न जड़े हुए हैं। तो रत्न बहुत महंगा पत्थर होता है, तो पहनने के लिए आजकल एक अंगूठी में रत्न पहनने के लिए लाले पड़ जाते हैं, और यहाँ मकानों में हीरे मोती रत्न जड़े हुए हैं। प्रासादई रत्न विक्रीतई पर्वतरिव शोभिताम, और वो कितने बड़े बड़े हैं, वो प्रासाद कितने ऊंचे हैं पर्वत जैसे। अब ये हमारे पीछे एक पर्वत है, कितना विशाल पर्वत है, इसको देखने से लगता है कि इसकी चोटियां जो हैं वो आकाश को छू रही हैं। तो ऐसे वहाँ पर प्रासाद थे, ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी इमारतें। तो ये तो खैर आजकल भी मिल जाती हैं, लेकिन बड़े शहरों में मिलती हैं केवल। और हम ये कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया उन बिल्डिंगों को देख करके, और हमें लगता है कि हमारे पूर्वज तो ऐसे ही कहीं झोपड़े आदि में रहते होंगे, ये गगनचुंबी इमारतें तो हमने आज विकसित की हैं, ये तो पहले से ही विकसित हैं। और आज तो केवल सीमेंट की बिल्डिंग बनाते हैं, उस समय तो ये जो प्रासाद, ये जो बिल्डिंग बनाते थे उनकी जो चित्रकारी और उनके अंदर लगने वाले जो पत्थर, चूना आदि, जिनमें एसी भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कुछ पुराने मकान अभी भी 100-200 वर्ष पुराने भी मिलते हैं, उससे भी पता लग जाता है ये तो लाखों वर्ष पुरानी व्यवस्था है, 9 लाख वर्ष पुरानी व्यवस्था है ये तो। और वहाँ पर केवल वो सीमेंट से ही नहीं बनाते, बल्कि उसमें रत्न हीरे मोती भी जड़े हुए हैं। तो कितनी संपन्नता होगी जो दीवारों में हीरे मोती जड़ते हों, और वो दीवारें भी इतनी ऊंची ऊंची गगनचुंबी पर्वत की जैसी। पर्वतैरिव शोभिताम कूटागारैश्च संपूर्णाम, कूटागार, कूटागार मतलब जहाँ स्त्रियों के गुप्त ग्रह, माने अंतपुर जिसको कहते हैं, जहाँ राज परिवार परिवार की महिलाएं रहती हैं, रनिवास जिसको बोलते हैं, तो वो भी वहाँ पर हैं। कूटागारैश्च संपूर्णाम, वो ऐसे मकान हैं वहाँ पर बहुत सारे रनिवास भी बने हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे राजभवन में काम करने वाले, बड़ी संख्या रही होगी राजपुरुषों की, तो उन राजपुरुषों की जो महिलाएं हैं उनके लिए रहने का जो एकांत स्थान है वो बहुत सुंदर हैं। तो कुल मिलाकर के नगरी कैसी है, इंद्रस्य इव अमरावतीम, जैसे इंद्र ने स्वर्ग लोक में अमरावती को बसाया है, ऐसे महाराजा दशरथ और उनके पूर्वजों ने इस अयोध्या नगरी को बसाया हुआ है। अब इंद्र की अमरावती का वर्णन सुनकर के लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, याग करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, दान करते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो स्वर्ग प्राप्ति का बहुत बड़ा लोभ लालच एक लोगों के मन में रहता है, लेकिन यहाँ तो इन्होंने स्वर्ग को धरती पे उतार दिया है।
चित्राम अष्टपदाकाराम वरनारी गणायुताम सर्वरत्न समाकीर्णाम विमान गृह शोभिताम। और कह रही हैं चित्रम अष्टपदाकाराम, उस वो इतनी विचित्र है, चित्राम वो जो विचित्र नगरी है उसमें अष्टपदाकाराम वर नारी गणायुताम। तो कह रहे हैं वहाँ पर उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था, अंदर हीरे मोती जड़े हैं और दीवारों के ऊपर पलस्तर सोने की प्लेट लगा रखी है, जैसे स्वर्ण मंदिर है हमारा आज अमृतसर में, तो ऐसे वहाँ पर अयोध्या नगरी में। और जो हम रावण की लंका देखते हैं उसको भी हम कहते हैं ना सोने की लंका, तो उसने भी दीवारों के ऊपर सोने का पलस्तर किया हुआ था, तो ये भी कम नहीं थे। अयोध्या में भी महाराजा दशरथ के जो महल हैं वो उन पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। और अष्टपदाकाराम, अष्टभुज होती है जो, तो वैसा उसका आकार है अष्टपदा, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षडभुज ऐसे बनाते हैं ना आकार, तो ऐसे अष्टभुज, तो ऐसे उसका डिजाइन ऐसा सुंदर बनाया हुआ है। अष्टपदाकाराम वरनारी गणायुताम। और वहाँ पर श्रेष्ठ वरनारी, वरनारी मतलब वर्णीय नारी, वर मतलब श्रेष्ठ, वर को वर इसलिए कहते हैं कि वो जितने भी किसी कन्या के लिए लड़के देखे गए उनमें से ये जो लड़का है ये सबसे श्रेष्ठ लगा हमें, इसलिए उसको वर कहते हैं। और भगवान का नाम भी वर है, वर माने श्रेष्ठ, इसलिए हम कहते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, वर के रूप में वरण करने के योग्य एक परमात्मा ही है। ये वर को वर इसलिए कहते हैं कि हमने बहुत सारे लड़के देखे कन्या के लिए, उनमें से इस एक का वरण कर लिया, इस एक को हमने चुन लिया। तो ये तो बात हो गई लोक की, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वेद की दृष्टि से वरण करने योग्य यदि कोई है तो वो कोई मनुष्य नहीं है बल्कि स्वयं परम पिता परमात्मा है। तो इसलिए गायत्री मंत्र में कहा तत्सवितुर्वरेण्यम, वो ही वरण करने के योग्य है, बाकी तो ऐसे ही छाया हैं केवल। और यहाँ पर क्या कहा, वर नारी गणायुताम, वर नारी श्रेष्ठ नारियाँ, श्रेष्ठ नारियों के गण हैं वहाँ पर। तो माने कोई यहाँ तो ढूंढे से कभी किसी को पुरस्कृत करना हो तो किसी श्रेष्ठ नारी की खोज की जाती है। और ये कह रहे हैं अयोध्या नगरी में तो श्रेष्ठ नारियों के समूह हैं, माने सभी नारियां बहुत श्रेष्ठ हैं, ऊंचे चरित्र वाली हैं। वर नारी गणायुताम, और जब नारियां वहां पर श्रेष्ठ होंगी, क्योंकि नारी ही किसी घर की धुरी होती है, अगर किसी घर की स्थिति जाननी है कि भई ये घर कैसा है, इस घर की गृह व्यवस्था कैसी है, आर्थिक व्यवस्था कैसी है, संस्कारों की व्यवस्था कैसी है, आहार व्यवस्था कैसी है, व्यवहार व्यवस्था कैसी है, तो उस घर की नारी के बारे में जानकारी ले लेना, जैसी वो नारी होगी वैसे उस घर की व्यवस्था मिलेगी। अगर वो नारी बहुत चटोरी होगी तो घर में अर्थव्यवस्था समुचित नहीं होगी, अगर उस घर की नारी बहुत हंडोरी होगी, हंडोरी मतलब घूमने वाली, तो उस घर की चीज़ें आपको सुव्यवस्थित नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो तो सैर सपाटे में रहेगी, चीज़ों को सुव्यवस्थित कौन करे। अगर उस घर की नारी बहुत आलसी प्रमादी होगी तो वहाँ कभी विद्वान पैदा नहीं होंगे, कभी समृद्धि नहीं आएगी, क्योंकि उसके हाथ से खाने वाला जो आहार है वो आलसी प्रमादी ही बनाने वाला होगा। अगर किसी घर की नारी झगड़ालू होगी तो वहाँ के घर के रहने वाले लोग जो हैं वो घर में ही आपको महाभारत दिखाई दे जाएगा। तो किसी घर परिवार की स्थिति को जानना है तो उस घर की नारी के बारे में जान लेना, और किसी देश की स्थिति के बारे में यदि जानना है कि भाई वो देश कैसा है तो उस देश की महिलाओं की क्या स्थिति है, माने वो राष्ट्र वो समाज उन महिलाओं को कितना सम्मान देता है, उस राष्ट्र में उस समाज में वो महिलाएँ कितनी सुरक्षित हैं,
उस राष्ट्र उस समाज में उन महिलाओं को कितनी शिक्षा दी जाती है, उस राष्ट्र में उस समाज में उन महिलाओं को बल बढ़ाने के लिए, बुद्धि बल, शरीर का बल, धन लक्ष्मी का बल बढ़ाने के लिए कितना उनको महत्व दिया जाता है। जितना दिया जाता है वैसी ही उस देश की उस राज्य की स्थिति मिलेगी। तो यहाँ अयोध्या की नारियाँ कैसी हैं, वर नारी गणायुताम, श्रेष्ठ नारियों के समूह उस पुरी की शोभा को बढ़ाते हैं। सर्व रत्न समा किरणाम विमान गृह शोभिताम, और कह रहे हैं सब प्रकार के रत्नों से समाकीर्णा, समाकीर्णा माने भरी हुई विस्तृत, सब प्रकार के रत्न जहाँ पर भरे पड़े हैं, तो विमान गृह शोभिताम, ऐसी विमान मतलब विशेष मान वाली, विशेष शोभा वाली गृह शोभिताम, ऐसे सुंदर रत्नों से भरे पूरे घर हैं और प्रासाद हैं, महल हैं जिसमें, ऐसी वो सुंदर नगरी है। तो ये मैंने सुना तो था, आदरणीय भाई राजीव जी बोलते थे कि अपने देश में कभी इतना ज़्यादा सोना हीरे मोती आदि होते थे कि जैसे हम अनाज निकाल के लाते हैं और गेहूं बाजरे का ढेर अपने घर में लगा देते हैं, ऐसे स्वर्ण मुद्राओं का और रत्नों के ऐसे ढेर के ढेर लगे रहते थे। तो उस समय हमें लगता था कि कुछ ज़्यादा अतिशयोक्ति करके बता रहे हैं शायद राजीव भाई, लेकिन ये रामायण में देख रहे हैं तो विश्वास होता है, क्योंकि ये ऋषि तो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये महर्षि वाल्मीकि वर्णन कर रहे हैं और उनके शिष्य कुश और लव ये राम के दरबार में उसको सुना रहे हैं। गृह गाढ़ाम अविच्छिद्राम समभूमौ निवेशिताम शाली तंडुल संपूर्णाम इक्षु कांडर सोदकाम, और कह रहे हैं गृह गाढ़ाम विच्छिद्राम, उनके घरों की जो आबादी है, गृह गाढ़ाम अविच्छिद्राम इतनी घनी हो गई है कि समभूमौ निवेशिताम, कहीं थोड़ा भी अवकाश दिखाई नहीं देता है। तो हम कहते हैं ना जनसंख्या अभी बढ़ गई, तो ये तो उस समय भी अच्छी खासी है, ये कह रहे हैं कि कहीं मतलब कोई जगह खाली नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में पूरा देश खाली पड़ा है, भारत से लगभग क्षेत्रफल में 3 गुना बड़ा है और आबादी उसकी मुश्किल से 3-4 करोड़ के बीच में है, तो पूरा का पूरा देश खाली पड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं लोग रहने के लिए वहाँ पर, व्यवस्थाओं के लिए लोग नहीं मिलते हैं, इसलिए सिस्टम काम करते हैं वहाँ पे। कहीं आप पेट्रोल पंप पे जाओ तो वहाँ कोई तेल भरने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको, वहाँ जाओ और वहाँ आप अपने उसमें पैसे डालो और तेल भर के ले आओ जितने आपने तेल भरा है, कोई मनुष्य नहीं है वहाँ पर, सिस्टम काम कर रहे हैं। आप वहाँ कहीं गाड़ियों की पार्किंग करनी है तो वहाँ कोई मनुष्य नहीं मिलेगा कि जी आप अपनी गाड़ी को ज़रा इधर लगा लो या इधर लगा लो, और फिर उसको पर्ची काट के देनी पड़ती है, और उसमें भी कभी कभी लोग वो 15-20 रुपए की पर्ची, वो 15-20 रुपए या 50 रुपए न देने के लिए जो पर्ची काटने वाला मनुष्य उसी को टक्कर मार करके और आगे बढ़ जाते हैं कि नहीं देंगे, वो बेचारा वहाँ गिर जाता है, कभी घायल भी हो जाता है। तो यहाँ तो मनुष्यों का भी सम्मान नहीं है, वहाँ तो सिस्टम का भी इतना सम्मान है। कोई गाड़ी पार्क करेगा तो वो पहले वहाँ पर उसमें पैसे जमा करेगा ऑनलाइन और फिर वो वहाँ पर गाड़ी पार्क करता है। तो खैर देश वो खाली पड़ा है, मैं ये कह रही थी, लेकिन यहाँ अयोध्या में ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ लोग ना रहते हों, तो वहाँ पर आबादी भी अच्छी खासी है। गृह गाढ़ाम अविच्छिद्राम समभूमौ निवेशिताम शाली तंडुल संपूर्णाम, और शाली तंडुल संपूर्णाम, चावल आदि खूब भरपूर हैं, वह नगरी धान से चावल से भरपूर है, और जल कैसा है वहाँ का, शाली तंडुल संपूर्णाम इक्षुकांड रसोदकाम, इक्षुकांड माने गन्ना, गन्ने का कांड मतलब वो पौधा गन्ना,
इक्षुकांड की तरह से रसोदकम, मीठा पानी है, खारी पानी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस स्थान का पानी अच्छा होता है तो फिर वहाँ की खेती भी अच्छी होती है, और वो पानी जो मीठा पानी है वो गहराई में मिलता है। कहते हैं जितना गहरा खोदेंगे उतना मीठा और हल्का और स्वच्छ पानी मिलेगा, जितना पानी ऊपरी स्थल का होगा तो वो उतना मीठा नहीं होता है और उसमें उतने सारे औषधीय तत्व नहीं होते हैं। तो गहरा पानी पीने से फिर व्यक्ति के संस्कार, उसका हृदय भी बहुत गहरा होता है। जो छिछला पानी पीते हैं तो फिर उनके विचार भी छिछले स्तर के ही होते हैं, ऐसे माना जाता है। तो यहाँ अयोध्या का पानी कैसा है? गन्ने के रस जैसा मीठा। ये तो कुछ ज़्यादा ही मीठा हो गया। तो वहाँ मतलब गन्ने का रस पीने की, जूस पीने की ज़रूरत नहीं है। आने वालों को पानी दो और लगेगा कि जूस पिला दिया, तो कितनी अच्छी बात है ये तो। आगे कह रही हैं, दुंधुभिः मृदंगैश्च वीणाभिः प्रणवैस्तथा नादितां भृशमत्यर्थं पृथिव्यां तामनुत्तमां। दुंधुभिः, दुंधुभियों से, और मृदंगैश्च, और मृदंग से, वीणाभिः वीणाओं से, प्रणवैश्च प्रणव आदि जो वाद्य यंत्र हैं उनसे, नादिताम उनसे, उनकी ध्वनि से गूंजती रहती है। भृशम अत्यधिक, भृशम अत्यर्थम, पृथिव्याम ताम अनुत्तमाम, पृथ्वी के ऊपर ये जो नगरी है ये कैसी है? अनुत्तमाम ताम, जिससे उत्तम नगरी पूरी धरती के ऊपर नहीं है। देश की तो बात ही छोड़ दो, भारत की तो बात छोड़ो। आज हम घूमने के लिए, कोई हांगकांग जा रहा है, कोई यहाँ एक वो कौन सा देश है, कोई यूके जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, और अलग अलग देशों में लोग जा रहे हैं। तो यहाँ ये जो अयोध्या नगरी है ये भारत में नहीं, पूरी धरती के ऊपर इससे सुंदर और कोई नगरी नहीं है। तो जो पूरे वर्ल्ड में जो नंबर वन नगरी है वो भारत में है, देखो। तो उसको देखने के लिए कितने लोग आते होंगे, जो पूरे वर्ल्ड का नंबर वन शहर हो तो वहाँ घूमने के लिए, उसको देखने के लिए तो सब जाएंगे। तो आज दूसरे दूसरे देशों में हम जाते हैं, जिनके पास बहुत धन है तो वो वहाँ अपने यात्राएं करते हैं, ट्रिप करते हैं, घूमने घुमाने के लिए ले जाते हैं अपने बच्चों को। तो उस समय भारत ही इतना सुंदर था, अयोध्या नगरी इतनी सुंदर है कि वैसी नगरी कहीं धरती के ऊपर ही नहीं है, स्वर्ग में है। जैसे इंद्र की नगरी, ऐसी इंद्र नगरी बसाई इन्होंने। तो उसमें सब प्रकार के, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई युद्ध के लिए इतने अस्त्र शस्त्र हैं, हाथी घोड़े हैं, तो एक बड़ा गंभीर माहौल वहाँ रहता होगा, ऐसा नहीं है। बोले नहीं, वहाँ धुंधुभि भी बजती रहती हैं, मृदंग बजते रहते हैं, वीणाएँ बजती रहती हैं। तो वीणा तो यही बजाते हुए घूम रहे थे दोनों भाई, कुश और लव, पण वो वहाँ पर बजते रहते हैं। तो ऐसे ये जो संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं वो भी खूब भरपूर मात्रा में हैं। तो ऐसी अनुत्तम नगरी है वो। और विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि सुनिवेशित वेश्मांतां नरोत्तम समावृत्तां। विमानम इव सिद्धानां, तो कह रहे हैं कि तपसा अधिकतम दिवि ही, दिवि द्युलोक में तपसा अधिकतम, तपस्या से प्राप्त हुए, सिद्धानां विमानम इव, सिद्धों के विमान की तरह, विशेष मान की तरह। ये नगरी कैसी है? सर्वोत्तम स्थान है, नरोत्तम समावृताम, उत्तम नरों से भरी हुई है, जो तपसा अधिकतम दिवि, तपस्या से प्राप्त हुए जो सिद्ध हैं देवलोक में। देवलोक में व्यक्ति कब जा सकता है? जब बहुत तपस्या करे तब जा करके उसको स्वर्गलोक मिलता है। तो वो तपस्या से जो द्युलोक को प्राप्त करते हैं, ऐसे
सिद्ध महात्मा योगी जन उनके विमानमिव विशेष मान की भांति ये जो अयोध्या नगरी है ये भूमंडल पे सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ दो बातें कही जा रही हैं, एक तो जो अयोध्या नगरी है वो अमरावती की तरह से सुंदर है, माने जिस अमरावती को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्याएं की जाती हैं सिद्धों के द्वारा और फिर वो उस द्युलोक को प्राप्त करते हैं, तो उतनी ही सुंदर नगरी द्युलोक में या स्वर्गलोक में जाने की ज़रूरत नहीं है, अयोध्या में जाने से ही वो सुख मिल जाएगा, ये एक बात हुई। दूसरी बात है कि जैसे उस अमरावती में केवल सिद्ध लोग ही तपस्वी लोग रहते हैं ऐसे यहाँ अयोध्या में भी तपस्वी लोग रहते हैं, ये दूसरी बात है कि यहाँ तप का भी माहौल है, केवल अभ्युदय मात्र नहीं है निःश्रेयस भी वहाँ देखने को मिलता है। तो अभ्युदय और निःश्रेयस ये दो हमारे लक्ष्य हैं जीवन के जो हमारे ऋषियों ने बताए, तो यहाँ पर ऐसे तपस्वी सिद्ध योगी सन्यासी भी मिलते हैं। विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि सुनिवेशित वेश्मांतां नरोत्तमा समावृतां। तो इस प्रकार से सुनिवेशित अच्छी प्रकार से उनके जो घर हैं उस नगरी का जो डिजाइन है वो सुनिवेशित है, माने अच्छी प्रकार से सोच समझ करके बनाया गया है। वेश्मांताम ऐसे घर हैं उसमें, नरोत्तम समावृत्ताम और वहाँ बहुत ही श्रेष्ठ कोटि के श्रेष्ठ पुरुष उसमें निवास करते हैं, क्योंकि केवल मकान मकान से भी कोई नगरी महान नहीं होती है, मकानों के साथ साथ फिर उन मकानों में रहने वाले जो मकिन हैं अर्थात जो मनुष्य हैं वो भी सुंदर चरित्र वाले हों, उनका आरोग्य अच्छा हो और उनका चरित्र ऊंचा हो, तब कहीं जाकर के वो सब प्रकार से देवलोक जैसे बनता है, देवताओं जैसा चरित्र हो, तो ये सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है अयोध्या नगरी में। ये च बाणैर्न विन्ध्यन्ति विविक्तम् मपरापरां शब्दवेद्यं च विततं लघुहस्ताविशारदा सिंहव्याघ्रवराहाणां मत्तानां नदतां वने हन्तारो निशितैशस्त्रैः बलाद् बाहुबलैरपि तादृशानां सहस्रैस्तामभिपूर्णां महारथैः पुरीं आवासयामास राजा दशरथस्तदा। तो ये दो श्लोक अभी और बच गए हैं, तो इनमें असहाय लोगों का कोई एकाद, वैसे तो असहाय है नहीं पर फिर भी कोई एकाद यदि वहाँ रहता हो तो उनका राज उनकी कैसे जिम्मेदारी लेता है और अस्त्र शस्त्र की प्रयोग में कैसे कैसे कुशल लोग हैं, तो ये थोड़ा वर्णन बचा है दो श्लोक, इसको फिर हम कल करेंगे कि अभी समय हो गया। तो ये इतनी सुंदर जो अयोध्या नगरी का वर्णन है तो इसको सुन करके ऐसे मन करता है कि काश अभी हमारे देखने के लिए भी भारत में कोई ऐसी नगरी होती, और ऐसी एक नगरी क्यों भारत में, जब एक नगरी ऐसी बसाई जा सकती है तो अनेक नगरियां भी ऐसी बसाई जा सकती हैं, बशर्ते कि सब देश के लोग उसके लिए इच्छुक हों, पुरुषार्थी हों और ऐसा ऊंचा उनका चरित्र हो, क्योंकि सब चीज़ें ऊंचे चरित्र से और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये हमने रामायण में तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज के युग में जैसे हम पतंजलि में देखते हैं श्रद्धे स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी, तो उनका जीवन एक तो तपोपूत है, तप से पवित्र किया हुआ है, पुरुषार्थी हैं और उनका चरित्र बहुत पवित्र है, तो सब प्रकार की समृद्धि से संपन्न फिर वो पतंजलि योगपीठ है, वहाँ का सौंदर्य है। तो ऐसे ही यदि सभी मनुष्य ऐसे पवित्र चरित्र वाले हों, ऊंचे विचारधारा वाले हों, तपस्वी हों, पुरुषार्थी हों, अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करने न वाले भोगी प्रवृत्ति के लोग यदि ना हों, तो आज पूरे देश को हम फिर से वैसा ही बना सकते हैं जो ये राम के राज्य में नगरी का वर्णन किया जा रहा है।
तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करते हैं। शांति 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 ही श्री गुरुभ्यो